5 4 3 2 1 गाइस, अगर आपको ना टिफिन सर्विस चाहिए ना जहाँ पे हम रहते हैं भांडुप में, तो बताना, फिर मेरी मम्मी ना बना के दे देगी आपको। गाइस, यहाँ पे सानवी का फेवरेट गाना लग चुका है और सानवी फुल खुश हो चुकी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है दोस्तों सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4। हमारे घर दोस्तों आज मेहमान आने वाले हैं और मेहमान के लिए मम्मी ने बहुत सारी तैयारी कर रखी है। तैयारी क्या क्या कर रखी है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, मम्मी काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रही है। आज मम्मी बना रही है स्पेशल मूंग दाल का हलवा, और मूंग दाल के हलवे के लिए सारी तैयारी कर रखी है मम्मी ने। ये ड्राई फ्रूट्स को भूज के रख दिया है और इसमें ना खास करके ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मम्मी ने सबसे पहले यही डिश स्टार्ट किया है ना। इसको बहुत पकाना पड़ता है और खरोड़ना पड़ता है। तो आ गए मम्मी के हाथ का मूंग दाल का हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। मैंने सोचा मौसा जी भी आ रहे हैं तो ना सबके के हो जाए। हाँ, तो गाइस मम्मी ने बता ही दिया आपको। गेस्ट आ रहे घर पे और मौसा जी आ रहे हैं, मौसी जी, बच्चे भी आ रहे हैं घर पे। मौसा जी, मौसी जी और सारे बच्चे आ रहे हैं। तो मौसा जी दुबई से काफी टाइम के बाद आ रहे हैं, तो जब भी दुबई से यहाँ पे आते हैं वो हमारे घर जरूर हमें मिलने आते हैं। तो आज वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसीलिए मौसा जी और उनकी फैमिली के लिए स्पेशली ये डिश बन रहा है। वीना भी आ चुकी है घर पे और मम्मी देखो थक गई है। मम्मी कैमरा में और थकी हुई दिख रही है। देखो सारी औरतें, घर की औरतें बैठी हुई हैं और मैं अकेला खर्ची खरीदने पे लगा हुआ। देखो गाइस, अभी खाना मैं बना रहा हूँ। तो गाइस देखो, ये एक और डिश बन रहा है। मूंग दाल का हलवा तो बन चुका है, आपको उसकी शक्ल बाद में दिखाएंगे। अभी मम्मी दूसरा मसाला तैयार कर रही है और जहाँ तक मुझे पता चला है ये कोफ्ता बन रहा है, वेज कोफ्ता। तो उसके लिए ये मसाला बन रहा है। तो अभी ये सारे सब्जियाँ, इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा, फिर इसको पीस के मेरे ख्याल से कोफ्ते बनेंगे इनके। देखो मम्मी ने इसमें क्या क्या डाला हुआ, काजू भी डाला हुआ है गाइस, बहुत सारी चीज़ें। मैं ज़्यादा करछी नहीं हिलाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें गिर जाए तड़ाई से। मैंने कहा मम्मी देखो मार साथ, तो मम्मी कहती हाँ, तो मैंने कहा तुझे मेरी वैल्यू भी नहीं पता। तो बोलती तेरी वैल्यू भी नहीं होती। मैंने बोला तेरी बोलती मेरी वैल्यू फिर किस में है, तो मैंने कहा आर्ट्स में, फैशन ये सब में। बोलती तो मेरी मम्मी है ना, मैंने कहा हाँ मैं तेरी मम्मी हूँ, लेकिन मैं इस बोलती मैं इसलिए रूप देखो अब इसे ये कर रही हूँ, कल को ससुराल जाएगी तो सास भी ऐसा ये कर दिया देना भाई, ससुराल का था मालूम पड़ा मेरी सास देखेगी कल के दिन। भाई कट जान मुझे बोल रही है कट होना चाहिए भाई। सब कुछ आता है भाई, व्लॉग में कुछ नहीं छुपता। कट करो गाइस कट। व्लॉग में कुछ नहीं छुपता, सबकी सच्चाई इधर ही सामने आती है। पर मम्मी तू भी तो तेरे को भी तो मम्मी मतलब नानी बुरी लगती थी, बट बाद में शादी के बाद अच्छी लगने लगी। मेरी मम्मी भी बहुत कड़क थी बाबा, मेरी मम्मी बहुत कड़क थी, मतलब काम के मामले में कुछ भी काम, साफ सफाई में हर चीज़ में। शादी होने के बाद भी नाना नानी ना सफाई सफाई देखते थे। हाँ अब सीख गई। तू कब सीखेगी? आती है मेरे। तो गाइस हम लोग ने कल पानी पूरी खाया था, जिसके बाद ना काजल को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि सबसे ज़्यादा पानी पूरी कौन खा सकता है। तो हम लोग है ना एक मिनट का चैलेंज कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स में 20-20 पूरी हैं। एक मिनट में जो सबसे ज़्यादा पूरी खाएगा पानी वहाँ पे है वो जीत जाएगा, ठीक है। और जीतने वाला फिर बाद में क्या होगा, जो हारेगा क्या करना है काजल, उसको एक हफ्ते तक उसकी बात माननी पड़ेगी जीतने वाले की, ठीक है। एग्रीड? क्या तेरा जीत के, तो वैसे नहीं मानता। किधर से आया ना? बोल दिया। Agreed? हाँ, ये किसका लेकिन? मेरा ही है, उसमें ही है, सब 20 पूरी है, 20-20, ठीक है? Ready? One. तो गाइस बीना शूट कर रही है, बीना टाइमर बता दे, एक मिनट का टाइमर है और ये देखो छेद पहले से करने लग गई है। हाँ तो सही है ना, स्ट्रेटजी है भाई। स्टार्ट करे बीना काउंट। 1 2 3 गो। गाइस अभी सिर्फ 30 सेकंड्स बच गए। 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
कितने बचे अभी तुम लोग के? आई थिंक वी हैव अ क्लियर विनर यार, जस्ट लुक एट द प्लेट्स। यस एक दो तीन था पर वैसे भी तुम्हारा जीत के मतलब था नहीं क्योंकि वैसे भी तुम्हारी ही सुनता हूं। तो गाइस यहां पे हमारा क्लियर विनर तो मैं ही हूं, ऑफ कोर्स मैं जीत चुका हूं। बाकी आप पानी पूरी बिना खाने वाली, क्योंकि बिना ने पानी पूरी कल नहीं खाया था, बोल रही थी मैं उठूंगी नहीं, मेरे को थक लग रही है, पानी पूरी खाने के लिए उठ गई मम्मी, इसको और पानी पूरी खाना है, उसको खराब कर रही है। तो गाइस देखिए मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है कोफ्ते बनाने की तैयारी, मसाले तो बन चुके थे, वो मेरे ख्याल से मम्मी बाद में पीसेगी, और अभी ना कोफ्ते बना रही, कोफ्तों के बोले। यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है, तो मम्मी आज बहुत सारी डिश बना रही है, मज़ा आने वाला है आज खाने में। डिनर इतना जायकेदार होगा ना कि मज़ा आ जाएगा। इतनी सारी डिशेज क्या क्या है मम्मा? ब्रदर तू बता देगी आज के डिनर में स्पेशल? एक वेज कोफ्ता है, दूसरा पतीउड़ है, तीसरा ये है ना मूंग दाल का हलवा मीठे में, बाकी राइस रोटी तो कॉमन होता है, वही राइस रोटी तो कॉमन होता है, और ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिश है आज खाने के लिए, मज़ा आने वाला है, फुल ऑन मज़ा आने वाला है गाइस, आपको दिखाऊंगा मैं। आज दावत है गाइस, अगर आपको ना टिफिन सर्विस चाहिए ना जहाँ पे हम रहते हैं भांडुप में, तो पता ना फिर मेरी मम्मी ना बना के दे देगी आपको दे देगी, डोंट वरी। मैं आप पहले मेरी मम्मी के हाथ का खाना टेस्ट करना, अच्छा लगे तो और ऑर्डर देना, ठीक है? तो कोफ्ता अपना ऑलमोस्ट रेडी हो गया फ्राई होके, थोड़ी देर में ग्रेवी में चला जाएगा। तो गाइस ये है करी, कोफ्ते की करी है ना माँ, कोफ्ते की करी है ना ये, कोफ्ते की करी भी रेडी हो चुकी है, हमारे कोफ्ते भी रेडी है। तो कब डालेगी माँ तू कोफ्ते करी में? मतलब उसको और थिक बनाएगी या ऐसी रानी बनाएगी? थोड़ा और उसको पकाएगी मतलब, है ना? ये कसूरी मेथी मम्मी तो भूज रही है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कसूरी मेथी भूजते हुए, उसका टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा, यूजुअली तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं कसूरी मेथी खाने में, अच्छा भूजते हैं पहले? हाँ उसकी। अच्छा तो भूज के जाएगा ये करी में, वो लास्ट में जाएगा ना मम्मा जब कोफ्ते चले जाएंगे अंदर। हाँ। तो गाइस कोफ्ता तो रेडी हो चुका है, मम्मी ने इसको साइड में भी कर दिया है, अच्छा दिख रहा है, गरम है, वाव गाइस जन्नत है आज का डिनर, जन्नत, वेजिटेरियन हेवन। और ये है पतीउड जो अरबी के पत्ते से बना है, इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं ये आप देख लीजिए। तो गाइज ये है अरबी के पत्ते जिसको मम्मी ने धो के रखा हुआ है, और अब मम्मी इसको ऐसे पीस रही है। क्यों मम्मा इसके टहनी को क्यों पीस रही है तू? पीसने रही है फिर मोटा है ना। हाँ। इसको ऐसे कोट रहे हैं ताकि वो मोड़ने में परेशानी ना हो। अच्छा, अब मम्मी इसमें डाल रही है सारे मसाले। मैं मसाले में तुमने क्या क्या यूज किया?
और गाइस ये देखिए मूंग दाल का हलवा, वाह 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 वाह। कोफ्ता, वेज कोफ्ता, मूंग दाल का हलवा, पत्यूड़। आपने इसकी रेसिपी तो देख ली है, घर पे ज़रूर ट्राई करना गाइस। ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होता, बहुत लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में इसको मीठा बनाते हैं, गुजरात में, बट हम लोग पहाड़ी लोग इसको मीठा नहीं बनाते, हम इसे नमकीन बनाते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पत्यूड़, पत्यूड़ कहते हैं, पत्यूड़। ओके, तो बहुत लोग इसको आलू वड़ी कहते हैं, हम इसको पत्यूड़ कहते हैं, ठीक है। अभी चाय भी बन रही है, मेहमान अभी तक आए नहीं है, राइस भी उबलने के लिए रख दिया है, रोटी थोड़ी देर में बन जाएगी। तो मेरी मॉम जो हेड शेफ है यहाँ की, उन्होंने सब कुछ तैयार कर दिया है। और यहाँ पे जस्सू भी आ चुकी है, जस्सू का ऑफिस क्योंकि बहुत नज़दीक है इसके, जस्सू पहले आ गई। और मौसा जी, मौसी और जयू अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये देखिए गाइस, इसको देखिए, भाई क्या कर रहे हो तुम, पूरा पानी फेंक दिया तुमने। सानवी, ये देखो सारा सारा खिलौना यहाँ हुआ बिखेर दिया इसने, अभी थोड़ी देर पहले समेटा था मैंने। तो गाइस फाइनली हमारे गेस्ट आ चुके हैं, कितने बजे आ रहे हैं, 7:30 बजे आ रहे हैं, गेस्ट बहुत लेट आ रहे हैं भाई आज के। नमस्ते 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 मौसी, कैसे हो? नमस्ते मौसी जी, बस बढ़िया, आप ठीक हो? कैसा था जर्नी आपका, सब बढ़िया? तो गाइस गेस्ट आ चुके हैं, देखिए सानवी आते ही अपने चाचा पे लिपट गई जैसे कितने टाइम से मिस कर रही है अपने चाचा को। गाइस यहाँ पे देखो, सानवी आते आते अपने चाचा पे लिपट गई है। दादा, दादाजी, दादाजी, ओए दादा को भी पकड़ रही है, ताक कर रही है। यूजुअली डर जाती हो। हाँ, उसको पता है ना, दादा दादी। बाल तो क्यों है, तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है रेडी। आज डिनर में जैसे कि बताया स्पेशल है पत्यूड़, वेज कोफ्ता, जीरा राइस, रायता, रोटी। तो गाइस अब बारी है डिजर्ट की, इतना अच्छा खाना खाने के बाद मूंग दाल का हलवा, बहुत मजा आ रहा देख के। सानिया के दादाजी के साथ हलवा खा रही है, नहीं खाना क्या हो गया आपको? उसको खुद को कटोरी चाहिए भाई, सानवी अगर गिरा ना। नहीं वो खुद खाएगी भाई, गिराएगी क्यों? नहीं मेरे से खा ले, आजा सानवी ले। इट्स नाइस नो, थैंक यू कर दो दादा को। ये उत्तम था, थोड़ा हो गया तो नहीं होता। अरे थोड़ा ऊपर आ, बाइक मारती हूं तो पता कितना लेना है। आज मौसी ने 10 रोटी खाया और ये तीस और ये चौथा प्लेट है हलवा का। देखो गाइस मेरा हलवा है। गाइस यहाँ पे सानवी का फेवरेट गाना लग चुका है और सानवी फुल खुश हो चुकी है, फुल एनर्जी के साथ। देखिए फुल ऑन, एकदम डांस के मूड में है। ये देखो उसका डांस स्टेप देखो। ये देखो, ये न्यू लाइफ, फेव नाइ, हाय हाय चुन्नी तेरी चमक नी को लावी सारा। तो गाइस फाइनली मौसा जी और मौसी जी घर चले गए और हमने उनको इंसिस्ट करा था कि वो यहीं पर रुक जाते, काफी मजा आता बात करते वक्त, बट उनके घर पे तो कल गेस्ट आ रहे हैं इसके वजह से वो आज नहीं रुक पाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम उनके घर जाएंगे और पक्का वहाँ पर रुकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।